भारत और रूस पारंपरिक दोस्त है। रूस यूक्रेन युद्ध में भी भारत रूस के खिलाफ नहीं दिखा। भारत हमेशा से यूक्रेन युद्ध का शांति से बातचीत के जरिए समाधान चाहता है और वो हमेशा इस पर अड़िग रहा है। इस बीच पीएम मोदी अमेरिका दौरे पर गए। पीएम मोदी के अमेरिका दौरे से लौटने के बाद अब रूस ने दोस्त भारत को फोन किया है। रूस ने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से बातचीत की है। रूस ने अपने यहाँ हुए ताजा घटनाक्रमों से भारत को अवगत कराया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा के बाद भारत के दोस्त रूस ने एनएसए डोभाल से फोन पर बातचीत की है। रूस की सुरक्षा परिषद के सचिव निकोलाई पात्रुशेव ने एनएसए अजीत डोभाल को फोन किया और उन्हें रूस के ताजा घटनाक्रमों के बारे में जानकारी दी। भारत और रूस के बीच ऐसे समय में बातचीत हुई है जब रूस में पुतिन को विद्रोह का सामना करना पड़ा है। कुछ ही दिन पहले रूस को अपने निजी सैन्य समूह वैगनर ग्रुप के विद्रोह का सामना करना पड़ा था। हालांकि पुतिन ने इस पूरे मामले को शांति से निपटा दिया। फिलहाल रूस में विद्रोह की आग ठंडी पड़ चुकी है। रूस की ओर से भारत से हुई बातचीत का ब्यौरा साझा किया। रूस की ओर से जारी बयान के मुताबिक रूस की सुरक्षा परिषद के सचिव निकोलाई पात्रुशेव ने डोभाल से टेलीफोन पर बातचीत की और उन्हें रूस के ताजा घटनाक्रम की जानकारी दी। इस दौरान द्विपक्षीय और बहुस्तरीय प्रारूप के ढांचे में सुरक्षा क्षेत्र में रूस भारत सहयोग से जुड़े वर्तमान मुद्दों और इसे गहरा बनाने की संभावनाओं के बारे में चर्चा हुई। इसके अलावा एन पात्रुशेव ने डोभाल को रूस के ताजा घटनाक्रम के बारे में बताया। इस दौरान भारत और रूस ने ऐसी गोपनीय वार्ता जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। रूस के हालात की बात करें तो वहां येवगिनी प्रिगोजिन के नेतृत्व वाले वैगनर ग्रुप ने विद्रोह कर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के समक्ष गंभीर चुनौती पेश की थी। हालांकि रूस में पुतिन ने इस बगावत की आग को शांत कर दिया है। येवगिनी ने पुतिन के दबाव में पीछे हटने की घोषणा कर दी थी। इस बीच रूस यूक्रेन युद्ध के 16 महीने बीतने के बाद अमेरिका समेत पश्चिमी देशों रूस की लगातार घेराबंदी कर रहे हैं। ऐसे में रूस अपने दोस्त भारत के साथ संबंधों को और गहरा और मजबूत बनाने में जुटा हुआ है। टाइम्स टाउन भारत डिजिटल की रिपोर्ट।